वैसे ही करेंगे सर। और देखिए चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, ओके ये पाइथागोरस कॉन्वर्स में होगा, विच ऑफ द बीच है हाइपोटेन्यूज, देखो या बड़ा वाला आप देख लीजिए, बड़ा का देखिए द स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू दस, ओके यहाँ बड़ा वाला पे लेके देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम में, एक एग्जाम्पल देता हूँ, हरिए में ट्रायंगल बनाना जरूरत नहीं है, बड़ा साइड कौन है 25, उसको हाइपोटेनस ले लीजिए क्योंकि हाइपोटेन, और दूसरा साइड 24 cm और ये 7 cm, ओके ये पाइथागोरस इज द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, देखिए 25 का स्क्वायर जो है एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा कि नहीं, देखिए अगर होगा तो वो राइट एंगल बनेगा और क्या हाइपोटेनस पता चलता है, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ओके डिटरमाइन द देम आर द राइट ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स राइट द हाइपोटेनस, ओके देखते हैं एसी, देखते हैं एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर 25 दिया है, पहला बिट हम कर रहे हैं, ओके 25 का स्क्वायर, ओके एबी है तुम्हारा 7, ओके बीसी है 24 का स्क्वायर, ओके देखिए अगर होता है तो ये होगा नहीं तो नहीं होगा, पाइथागोरस कॉन्वर्स ये 625 है, 49, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर, ओके ये 625 इक्वल टू ये कितना बन रहा है 625 बन रहा है, नौ चार पंद्रह, यस नौ चार पंद्रह एक, आठ चार बारह एक, 625, तो तुम्हारा यहाँ पर if the square of the one side is equal to the sum of the square of other two side, then angle opposite the first side is a right angle, okay? Which implies that तुम्हारा क्या बनेगा? अगर s square if the square of the one side equal to the sum of the square of other two side, then angle opposite first side is right angle, which implies that तुम्हारा angle b क्या हो जाएगा 90 degree? क्या region है? By Pythagoras converse, okay? By Pythagoras converse, okay? हेलो सर, हाँ बोलिए, एंगल थोड़ा एक मिनट जब एबी थोड़ा रुके एक मिनट, जब एंगल बी 90 डिग्री हो गया देन तुम्हारा एसी स्क्वायर, एसी जो क्या एंगल बी 90 है, 90 का फ्रंट बनना, 90 का फ्रंट जो है एसी इज हाइपोटेन्यूज, ओके आप बोलो क्या क्वेश्चन, बोलो तुम्हारा क्या डाउट है सर, अगर एबी को 7 सेंटीमीटर लेते हैं नहीं, हमारा ट्रायंगल में ना हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा सेम, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है एक ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, इसलिए बड़ा को देख के करो, यहाँ पर भी बड़ा कौन है देखिए, सेकंड में ट्रायंगल बनाने की जरूरत है फिर भी बना दो, ओके ऐसे ही बना दो, सेकंड में बड़ा कौन है, एट सेम बड़ा है, सेकंड में एट सेम बड़ा है, ओके ये जरूरी नहीं है वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो बनेगा, ओके ओके ले लीजिए एबीसी, ओके जो बड़ा वाला को हाइपोटेनस दीजिए, बिकॉज एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, योर 8 सेम को ले लीजिए हाइपोटेनस, ओके और क्या बच गया बच्चों, जो बड़ा है उसको ले लीजिए, बच गया क्या 36, किसी को भी ले लीजिए, ये 36 सेम और क्या 6 सेम, अब देखिए क्या होता है फिर टू, ओके ये तुम्हारा क्या हुआ, ये एस स्क्वायर चेक कीजिए, एस स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर चेक कीजिए, तो देखिए एसी क्या है आपका 8 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ओके अगर होगा सेटिस्फाई करेगा तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, इट इज नॉट ए राइट ट्रायंगल, ओके 8 का स्क्वायर इक्वल 64 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 बन रहा है, देखिए 64 ये बन रहा है, 9 से कितना By Pythagoras converse. It is not a right thing by Pythagoras converse.
ठीक है, अगर इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड देन ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं आएगा। अगर यहाँ पर रिप्लाई दैट एंगल भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आएगा तो यहाँ पर ये राइट एंगल ही बना नहीं, तो कहाँ ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। ओके, तो ऐसे ही चेक करना है और सब करें ना, इतना छोड़ दे। यहाँ पर 100 का स्क्वायर इक्वल क्या करना है 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अगर होता है तो होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर 12 का स्क्वायर या 13 ये होगा शायद 13 12 5, ये 13 का नंबर कर दीजिए वो हो गया है। ओके, 13 का स्क्वायर इक्वल अगर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर देन ये 13 से फॉर हाइपोटेनस बनेगा, ये बात शायद होगा, राइट एंगल। ओके, होगा सर, होगा वो वाला होगा, होगा सर, ये फोर्थ वाला होगा शायद, फिफ्थ वाला नहीं होगा। ओके, थर्ड वाला नहीं होगा, थर्ड 100 का स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल 8 का स्क्वायर, थर्ड वाला नहीं होगा। और वन वाला होगा, ये सेकंड थर्ड ये नहीं होगा। यहाँ पर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस 25 cm है, यहाँ पर ये 13 बड़ा है तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस 13 है, तो डायग्राम बना दो कोई बात नहीं। तो तुम्हारा ओके, बनाने में पैसा पड़ता है क्या तुम्हें? ओके, बना के अच्छी तरह एक्सप्लेन भाई कर दो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसको 13 ले लोगे, यहाँ पर 13 ले लो, ये जैसे किए तो वैसे कर दोगे, यहाँ पर हाइपोटेनस तो 13 सेम होगा फोर्थ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल पी, ओके ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल आर पी, गलत कर दिया हम लोग, राइट एंगल आर पी बोला है। ओके, ये पी क्यू आर, ओके ये पी क्यू आर कैसे, हाँ इसे कोई भी ले लीजिए कोई बात नहीं, पी क्यू आर साइकिल में जाइए राइट साइड, अगर ऐसे भी आ सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल आर पी। ओके, एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, सो दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये पी एम जो है परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ओके, सो दैट दिस, जब भी बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन देता है, जब भी ऐसा कोई बोलता है प्रूव करने के लिए, तुमको याद रखना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर करना है, और ऐसा बाई भी देता है, पी एम बाई क्यू आर इक्वल एम आर बाई पी आर ऐसा देता है, ये समझ लीजिए दो ट्राइंगल सिमिलर करना है। तो गिवन लिखिए, क्या गिवन है, एंगल पी 90, ये भी 90 डिग्री है, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, टू प्रूफ लिखिए, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अच्छा बच्चे, ये हम जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे थे वो उस टाइम में पढ़ लेते थे, छोड़िए। ओके, अच्छा सुनिए, जब भी यह ऐसा कोई देता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, अच्छा कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा इसमें पता चलेगा, एक बोल रहा है पीएम, एक बोल रहा है पीएम, ये वाला साइड, ये वाला साइड, और एक बोल रहा है क्यूएम, ये वाला साइड, और एक बोल रहा है एमआर, ये वाला साइड। इसका मीन्स ये दो दोनों छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा बच्चों। बच्चों, जब भी ऐसा बोलता है एग्जाम में या साइड का रेशियो में पीएम बाय क्यूएम इक्वल आरएम बाय पीएम ऐसा देता है कुछ, इसको ऐसा ही पूछ लेगा क्वेश्चन में,
ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, पी एम बाई क्यू एम इक्वल एम आर बाई पी एम, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जब ये ऐसा देता है या ऐसा देता है, ये कैसा आएगा? दो ट्रायंगल सिमिलर करने पर सीपीएसटी में आएगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा सीपीएसटी में ही आ जाएगा। ओके, तो ये सिमिलर करने के बाद सीपीएसटी, जब भी ऐसा देता है या ऐसा देता है याद रखिए, कहीं पर भी क्वेश्चन तुम्हें ट्रायंगल्स में ऐसा देता है या ऐसा देता है, दो ट्रायंगल सिमिलर करना है उसको सीपीएसटी में आ जाएगा। कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना इसमें ही पता चल रहा, बोल रहा है पीएम क्यू एम एम आर, पी एम क्यू एम एम आर बोल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए इसको करते पहले रॉ फिगर कराता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद तुम पढ़ाई करूँगा। एक ट्रायंगल लिख दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। एंगल एंगल, अरे हाँ देखिए पहले एक ट्रायंगल का लिख दीजिए, उसका सीधा सीधा करेंगे। एक ट्रायंगल में लिख देता हूँ, एक ट्रायंगल कौन है पी क्यू एम, मेरा एम 90 डिग्री है, एम मेरा 90 डिग्री दिया है, एक ट्रायंगल में लिख दे रहा हूँ। और एक ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पर, मैं इसको सीधा सीधा दूंगा, मैं पहले समझा रहा हूँ बच्चों, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ओके, अच्छा इसका एंगल एम, इसका एंगल एम 90 डिग्री, इस तरफ भी इसका एंगल एम 90 डिग्री। ओके, इसका भी 90 डिग्री, कौन है दोनों में एम सेम है, इस तरफ इसका एम 90 डिग्री, उसका एम 90 डिग्री। ओके, अच्छा सुनिए बच्चों, ये तुम्हारे यहाँ पर याद रखिए, ये एंगल वन, ये एंगल वन, तुम भी वन लिख दोगे, एंगल वन किससे इक्वल होगा, ये बता, एंगल वन किससे इक्वल होगा। हेलो, हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा, ये एंगल वन किससे इक्वल होगा, एंगल सर, सर आपका वीडियो कट गया था कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन ही जो अनस्टेबल दिखा रहा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। अच्छा सुनिए एक बात बच्चे याद रखिए, एंगल वन एंगल क्यू से इक्वल होगा, एंगल वन जो है एंगल क्यू से इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा देखिए, एंगल वन एंगल क्यू से इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह एंगल आर जो है, एंगल आर जो है एंगल टू से इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा मैं बोल रहा हूं देखिए, एंगल क्यू वन से कैसे इक्वल होगा देखिए। अच्छा एक बात बोले, वन प्लस टू 90 डिग्री है कि नहीं, अरे वन प्लस टू, तुम भी अपना फिगर में वन टू लिखिए, नहीं तो एग्जाम में देखेगा कहां वन आ गया कहां टू आ गया, तुम भी फिगर में वन टू लिखिए, अपने कॉपी में वन टू लिखिए, देखिए वन प्लस टू 90 डिग्री है कि नहीं, अरे वन प्लस टू 90 डिग्री है कि नहीं, अच्छा एंगल टू प्लस एंगल क्यू भी 90 डिग्री, क्यों एंगल टू प्लस एंगल क्यू 90 डिग्री क्यों होगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू, देखो ये तुम्हारा ये 90 है तो सुनो, एंगल एम 90 डिग्री है, जब एंगल एम 90 डिग्री है, जब एंगल एम 90 डिग्री है तो P 2 प्लस क्यू 90 डिग्री होगा, इक्वल है तो RHS, इक्वल है तो ये इसका और इसका है, RHS को इक्वलाइज कर दीजिए, तो RHS जब इक्वलाइज करेंगे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है तो RHS, जब राइट हैंड इक्वल है लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू, ये 2 2 कट जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल क्यू। ओके, ये 2 2 कट जाएगा, ये समझो बच्चे, ये एंगल 1 प्लस 2 जो है एंगल 1 प्लस 2 90 है, एंगल 2 प्लस क्यू 90 है, जो राइट हैंड इक्वल 1 प्लस 2 90 है दिख रहा है यहाँ पर, एंगल P 90 है, एंगल 2 प्लस क्यू 90 क्यों है, क्योंकि एंगल M 90 है, ये एंगल M 90 है। ओके, 2 प्लस क्यू 90 क्यों है, एंगल M 90 है, तो RHS जब इक्वलाइज कर देंगे लेफ्ट हैंड इक्वल एंगल 1 प्लस 2 इक्वल एंगल 2 प्लस 2 देन एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 इक्वल एंगल क्यू, तो 1 किससे इक्वल है, बीच में ये 2 कट जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2 90 2 प्लस क्यू 90, ये बीच में ये 2 रह के कट जाएगा, 2 उड़ जाएगा, 1 प्लस 2 90 2 प्लस क्यू 90, तो बीच में ये जो 2 है ये उड़ जाएगा, ये कट जाएगा, RHS इक्वल है 1 इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों इसी तरह एंगल आर प्लस 190 डिग्री क्यों है,
बच्चों यहाँ आर प्लस वाई 90 डिग्री, क्योंकि एंगल एम 90 डिग्री है, ये एंगल एम जब 90 डिग्री, आर प्लस वाई 90, वन प्लस टू 90, तो बीच में वन उठ जाएगा, एंगल आर इक्वल किससे होगा, एंगल टू। तो बच्चों क्या समझे? सर आपका आवाज कट रहा है, सर आवाज कट रहा है, नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा सुनिए, अरे बच्चों समझे, अच्छा वन मीन्स कौन, एंगल पी किससे इक्वल है, एंगल क्यू से इक्वल है, ये एंगल इस ट्रायंगल का एंगल पी इसका एंगल क्यू से इक्वल है, तो एंगल क्यू किससे इक्वल है, एंगल पी से इक्वल है। बच्चो इस ट्रायंगल का हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, इसका एंगल वन इसका एंगल क्यू से इक्वल है, तो वन इक्वल ऑलरेडी आउट की है। बच्चों इस तरह इस ट्रायंगल का टू माने इस ट्रायंगल का पी जो है, इस ट्रायंगल का टू उसका एंगल आर से इक्वल है। देखोगे कि तुम्हारा इंट्रैंगल पी एम क्यू एंट्रैंगल आर एम पी क्या लिखोगे, कि तुम्हारा ये एम और एम 90 डिग्री है, ओके, एंगल क्यू जो है वो एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर से इक्वल है, एम पी आर माने दैट इज एंगल वन, एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर से इक्वल है, एंगल क्यू जो है एंगल वन, एम पी आर जो है एंगल वन है, एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर से इक्वल है। तो तुम्हारा ए मेथड में सिमिलर हो गया। उसके बाद जो चाहिए था, क्या चाहिए था, देखिए ये और नहीं तो ये चाहिए था, पी एम चाहिए था इसमें, उसका सिमिलर होने का पी एम दो बार चाहिए, तो पी एम बाय क्या हो जाएगा, सिमिलर होने के बाद पी एम बाय कितना, आर एम इक्वल टू क्यू एम क्यू एम बाय पी एम, ये सिमिलर होने के बाद पी एम बाय आर एम इक्वल टू क्यू एम बाय पी एम, ये सिमिलर होने के बाद सिमिलर पी एम बाय आर एम इक्वल टू एम क्यू बाय पी एम, देन बच्चे ये पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू आर एम। तो जब भी ऐसा कोई देता है प्रूफ में या कोई ऐसा देता है, आपको दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है इसी में पता चलेगा। एक बोला था पीएम ये वाला, और एक बोला था क्यूएम ये वाला, और एक बोलता आरएम ये वाला, तो मैंने ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। बच्चों ये मुझे समझाना था, मैं समझा दिया, अभी करते हैं बच्चों। तो एक ट्रायंगल ऐसा डायग्राम बनाइए पीएमक्यू, ओके okay, सर दो डायग्राम बने, एक ट्रायंगल पी एम क्यू डायग्राम बने, लिखिए क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखिए इसका, ओके okay, हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, एक ट्रायंगल ऐसे बना देंगे इन ट्रायंगल पी एम क्यू। सर स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, अरे आया आया सर आया, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल आर एम पी, आज संडे है ना, सभी घर में होते हैं, सब घर में होते तो सभी मोबाइल चलाते हैं, नेटवर्क बिजी पूरा। देखिए इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल आर एम पी क्या लिखिए, इसका एंगल एम 90 उसका भी एंगल एम 90, एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल पी एम आर, एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल पी एम आर, एंगल पी एम क्यू इक्वल एंगल पी एम आर क्या 90 डिग्री, ओके एंगल पी एम क्यू इक्वल एंगल पी एम आर 90 डिग्री, ये गिवेन था। उसके बाद लिखिए एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर से इक्वल होगा, एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर से इक्वल होगा, ये एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर से इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा थोड़ा देखना दिखाना पड़ेगा आपको, एंगल क्यू जो है एंगल एम पी आर जो है एंगल वन से इक्वल होगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाओगे, तुम भी वन टू लिख दीजिए, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना 90, एंगल टू प्लस क्यू भी कितना, एंगल टू प्लस एंगल क्यू भी 90, वन प्लस टू 90, एंगल टू प्लस एंगल क्यू भी 90, ये बीच में टू कट जाएगा बच्चों, इक्वल है द आर एच एस,
एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल टू प्लस कितना एंगल क्यू, बीच में ये टू कट जाएगा, एंगल वन इक्वल एंगल क्यू। वन मीन्स क्या है, वन मीन्स एंगल एम पी आर, एंगल एम पी आर जो है एंगल क्यू से इक्वल है। तो देखिए तो हो गया बच्चों, इसका 90, इसका 90, इसका क्यू किससे इक्वल है, एंगल एम पी आर। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई रीजन ना देखे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एंगल क्यू किससे इक्वल है, एंगल एम पी आर से इक्वल है। और एंगल आर किससे इक्वल है, एंगल टू से इक्वल है। एंगल आर जो है एंगल क्यू पी एम से इक्वल है, एंगल आर जो है एंगल क्यू पी एम से इक्वल, एंगल आर जो है एंगल क्यू पी एम से इक्वल है। हाइएस्ट एंगल देखिए पी क्यू एम सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी, कौन सा मेथड बाय ए ए। सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो ले लेंगे। यहां पर देख लीजिए पी एम दो बार आएगा, पी एम दो बार आएगा, पी एम बाई आर एम, पी एम बाई आर एम इक्वल टू, यहां पी एम दो बार आएगा, एम क्यू बाई पी एम, पी एम बाई आर एम इक्वल टू एम क्यू बाई पी एम। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके बाद पी एम स्क्वायर जो है क्यू एम इंटू आर एम रूम। ओके बच्चे समझ में आया सर? हाँ बोलिए सर। अगर हम खाली क्यू एम बाई पी एम इक्वल टू एम पी बाई एम आर करके लिख देते तो नहीं होगा? क्या लिखोगे? सीधा रहना है, मोनिचा नहीं लिख सकते हो, सेम सेम रहना है, एम क्यू बाई पी एम इक्वल टू पी एम बाई पी ए, सेम रहना है, मोनिचा नहीं लिख सकते। मैं वही बोल रहा हूँ, पर आप जो पहले लिखे कि एंगल पी एम क्यू इक्वल टू पी एम, ये सब नहीं लिखने से क्या नहीं होगा? अरे ए एम में चाहिए ना, तुम ए एम में सिमिलर करोगे तो तुम एक चीज याद रख सकते हो, ये 90 और इसका क्यू एंगल वन से इक्वल है, मीन्स पी एम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई बिना रीजन लिखे। एंगल क्यू किससे इक्वल है, एंगल एम पी आर से इक्वल है, एंगल आर जो है एंगल टू से इक्वल है। ये तभी होता है जब ये भी 90 और ये भी 90 होता है, ये 90 से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ होता है तभी हो सकता है। ओके ओके बच्चों, जिसको लिखना है थोड़ा लिख दीजिए, और ये थोड़ा रीजन है सभी। ऑलरेडी हम पाइथागोरस में किए हैं। अच्छा बच्चों ए बी स्क्वायर, हम लोग पाइथागोरस में किए ए बी स्क्वायर के लिए क्या क्या किए थे, हम क्या किए थे, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को सिमिलर किए थे। पाइथागोरस याद रखिए, ये तो 90 डिग्री दिया होगा। ओके देखिए हम ए बी स्क्वायर के लिए क्या किए थे, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को सिमिलर किए थे तो ए बी स्क्वायर मिला था। फिर ये ए डी स्क्वायर, ये थर्ड वाला एडी स्क्वायर क्या किए थे, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को सिमिलर किए थे, एडी स्क्वायर मिला था। फिर ए बी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर ऐड करेंगे तो बी डी स्क्वायर आएगा, जो पाइथागोरस में ऑलरेडी किए थे, हम आधा कर चुके थे, वही चीज अभी करना है। देखिए पाइथागोरस पढ़े तो बच्चों, मैं पढ़ाया था पाइथागोरस। ओके देखिए पहला बात बोल रहा है, ये गिवन लिख दीजिए, जो जो गिवन लिख दीजिए, राइट एंगल एट ए गिवन लिख दीजिए, गिवन एंगल है 90 डिग्री और ये ए सी परपेंडिकुलर टू किसे, ए डी, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके ए सी जो है परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके और ये टू प्रूफ, पहला प्रूफ देखिए हम कर चुके हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ तुम बनाओगे। पहला टू प्रूफ, योर ए बी स्क्वायर इक्वल टू BC into BD। देखिए ये प्रूफ करना है, AB square equal to क्या है, BC into BD। देखिए कौन सा दो ट्रायंगल पथ सिमिलर, ये जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तुम्हें एग्जाम में, कोई एक पार्ट भी देता है इसका, ओके जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देता है तुम्हें समझ लीजिए सिमिलर करना है, कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना इसमें पता चल रहा है। पहला बात है AB square बोल रहा है,
सेकंड बात बोल रहा है बीसी बोल रहा है, इसका मींस ये छोटा ट्रायंगल आ रहा है, और एक तो बीडी बोल रहा है मींस बड़ा ट्रायंगल आ रहा है। देखिए तो तुम्हें क्या कीजिए, यहाँ पर ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करना, बड़ा ट्रायंगल का लिख दीजिए पहले, उसका सीधा सीधा दीजिए। ये वाला बच्चों रूप हम लोग किए थे पाइथागोरस में, ये बहुत इजी है। अच्छा इसका एंगल ए 90, बड़ा ट्रायंगल एंगल 90, छोटा ट्रायंगल करेंगे बच्चों एसीबी का, एसीबी सिमिलर करेंगे बच्चों। बड़ा बीडी बोल रहे तो बड़ा ट्रायंगल आएगा, और ये बोल एबी और बीसी बोल रहे थे छोटा ट्रायंगल बच्चों आएगा, ये छोटा ट्रायंगल एसीबी। अच्छा बोलिए सीधा सीधा करते हैं, एक ट्रायंगल लिख के उसका सीधा सीधा दीजिए। अच्छा बोले इसका एंगल बी 90, इसका कौन सा 90? बोले इसका एंगल ए, सॉरी इसका एंगल ए 90, इसका कौन सा 90? सी सी एंगल सी 90 डिग्री, ठीक है वेरी गुड। दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन है? बी सर, एंगल बी कौन है? एंगल बी जो हो गया आपका काम हो गया, बी सी ए बी लिखोगे, एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन, एंगल ए इक्वल एंगल सी 90, तो बी सी और बच गया ए, ए लिख दीजिए और तुम्हें ये प्रूव कीजिए। उसके बाद तुम्हें क्या कीजिए, बी यहाँ पर ए बी इसको चाहिए तो ए बी दो बार आएगा, ए बी बाय बी सी इक्वल टू बी डी बाय ए बी करके पहला वाला प्रूव तुम कीजिए और समझे। लिखिए एंट्रैंगल डी ए बी एंट्रैंगल ए सी बी, एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन, एंगल इस ट्रैंगल का एंगल सी 90 और बड़ा ट्रैंगल एंगल ए 90। ओके तो ए में सिमिलर हो गया, सिमिलर होने के बाद ए बी चाहिए तो ए बी का लीजिए, ए बी बाई बी सी इक्वल टू बी डी बाई ए बी, तो यहाँ पहला प्रूफ होगा। पहला प्रूफ आप प्रूफ कीजिए, ये किए थे हम पाइथागोरस में। क्या लिखिए, ये पहला प्रूफ देखिए, लिखिए एंट्रायंगल डी ए बी, बड़ा ट्रायंगल कर दीजिए। ओके एंट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल एसीबी, डीएबी एंड ट्रायंगल एसीबी, लिखिए एंगल ए इक्वल टू किसे, एंगल सी 90 डिग्री गिवन है। ये बड़ा ट्रायंगल का एंगल ए 90, ये छोटा ट्रायंगल का एंगल सी 90, और एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन। एक ट्रायंगल लिखिए उसका सीधा सीधा दीजिए, एक ट्रायंगल बनाया बी का सीधा बी दीजिए, एक का सीधा सी लिखिए तो बी सी चला गया, बी सी चला के बच गया ए, ए लिख दीजिए। ओके एक ट्रायंगल लिख के सीधा सीधा कीजिए, तो एंट्रायंगल डी ए बी एंट्रायंगल ए सी बी, एंगल बी इक्वल टू क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन, इसका एंगल ए 90, इसका बड़ा ट्रायंगल एंगल ए 90, छोटा ट्रायंगल का एंगल सी 90, तो ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी बाई ए। अच्छा मुझे यहाँ पर ए बी स्क्वायर चाहिए, मैंने ए बी दो बार आएगा तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू सर ए सी दो बार चाहिए ना, राइट, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर दो बार चाहिए तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू बी डी बाई ए बी। तो यहाँ पर दो बार ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर, तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू बी डी बाई ए बी, ए बी का ही लीजिए, ए बी बाई बी सी बी डी बाई ए बी। तो है ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। अच्छा सर ये हो गया है, ये बाई सी पी एस टी हो गई, ये हम सिमिलर कर चुके हैं, ये होने के बाद ये बाई सी पी एस टी हो गई। नियर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। प्रूफ पहला प्रूफ हो गया, सेकंड वाला भी हो गया, हाँ वेरी गुड, अच्छा है। नेक्स्ट बच्चों मैं थर्ड वाला करूंगा, उसके बाद एक सेकंड वाला करूंगा। नेक्स्ट बोल रहा है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, थर्ड वाला पहला करूंगा, पाइथागोरस में किए थे दोनों।
AD square equal to BD into CD. AD square equal to BD into CD. Your AD square. देखिए कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा इसमें पता चलेगा. बोल रहा है AD square बोल रहा है. AD square बोल रहा है, ये AD square बोल रहा है और BD बोल रहा है, ये BD मतलब BD बोल रहा है तो बड़ा ट्रायंगल आएगा. और कौन बोल रहा है? CD बोल रहा है, ये छोटा ट्रायंगल CD. मैंने तुम्हें ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है, दोनों में एंगल D 90 हो जाएगा. ओके, तो बड़ा ट्रायंगल पहले लिख दीजिए, बड़ा ट्रायंगल लिख दीजिए पहले. सेकंड का प्रूफ मैं बोल दे रहा हूँ, बड़ा ट्रायंगल पहले लिख दीजिए. बड़ा ट्रायंगल क्या है? बड़ा ट्रायंगल DAB. अच्छा, और एक ट्रायंगल देखिए, सीधा सीधा दीजिए. अरे इसी में पता चले कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. तो यहाँ पर AD CD बोल रहा है तो ये छोटा ट्रायंगल आएगा, और BD बोल रहा है तो बड़ा ट्रायंगल आएगा. तो बड़ा ट्रायंगल लिख दिया. दोनों ट्रायंगल में एंगल D कॉमन है, सीधा सीधा दीजिए. दोनों ट्रायंगल में एंगल D कॉमन है, इसका D इसका भी D. अच्छा, इसका A 90 डिग्री है. दोनों ट्रायंगल D, उसका A 90, इसका इस बड़ा ट्रायंगल का A 90 डिग्री है, छोटा ट्रायंगल का एंगल C 90 डिग्री है. सीधा सीधा दीजिए, तो D 90 इसका C 90. तो बच गया क्या? देखिए DC चला गया, बच गया क्या? देखिए छोटा ट्रायंगल का क्या बच गया? D चला गया, C चला गया, बच गया A. छोटा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कर रहे हैं. D चला गया, कॉमन है, इसका C और इसका A 90. तो D चला गया, C चला गया, बच गया A. A लिख दीजिए, ये D कॉमन, एंगल A 90 C 90, इसका लिख दीजिए. इंट्रायंगल DAB, इंट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCA, इंट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCA क्या लिखिए? एंगल D इक्वल एंगल D कॉमन. सर ठीक से आवाज नहीं आ रहा सर. समझ गया कि नहीं? समझा कि नहीं? एंगल D इक्वल एंगल D कॉमन. वो नेट का प्रॉब्लम्स होता है. एंगल D इक्वल एंगल D कॉमन. ओके ओके, कोई बदमाशी कर रहा है, एरो मार्क्स दे रहा है, पता चल जाएगा कौन दे रहा है. बेटा 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 बेटा, जल्दी दिखी, जल्दी दिखी, आओ. कोई बात नहीं, पता चलेगा कौन कर. हेलो सर. हाँ बोलो सर. इधर ऊपर वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करना है. हाँ छोड़िए, हाँ हाँ, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल हो गया, एंगल D इक्वल एंगल D कॉमन हो गया. अरे समझे? एंगल A एंगल C 90 डिग्री. ओके, बड़ा ट्रायंगल लिखते सीधा सीधा, इसका D इसका D उसका A उसका C. ओके, हैश ट्रायंगल कौन रहा? ट्रायंगल DAB. ट्रायंगल DAB सिमिलर टू ट्रायंगल DCA. DAB तो DCA, आला कुछ लिखने से गलत है. अगर DAB इक्वल टू ACD लिखने से गलत है, DAB लिखे तो DCA लिखोगे. ओके, होने बाय AMA, बाय AMA सिमिलर हो गया. ओके, सिमिलर होने के बाद क्या करोगे? इसका A 90 सिमिलर होने के बाद हमें क्या चाहिए? AD स्क्वायर. AD दो बार चाहिए, AD बाय CD. और कहा AD है? देखिए AD बाय CD, ये BD बाय AD. हेलो सर. हाँ बोलो.
सर वो मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है इसलिए वो ऐसा लाइन मतलब लग गया स्क्रीन पे। आ जाते क्या? ठीक है तो बच्चों ये सिमिलरों ने बात एडी स्क्वायर में बोल रहा था कि एडी हाँ एडी बाय सी डी इक्वल टू बी डी बाय एडी, दो एडी आएगा एडी बाय सी डी इक्वल टू बी डी बाय एडी। ओके तो एडी स्क्वायर इक्वल टू योर बी डी इनटू सी डी। ओके ये प्रूव करना था प्रूव। यस सर नो यस सर हो गया। नेक्स्ट प्रूव है ओके ये थर्ड वाला। ओके ये एक ही क्वेश्चन में तीन बिट दे दिया लेकिन एग्जाम में कोई एक ही बिट पूछेगा। ओके यस हाँ जी सर सेकंड बिट तो थर्ड नंबर जैसा होगा ना? नहीं सेकंड बिट जो है हम लोग का पहला क्वेश्चन का जैसा होगा। देख पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है किए थे देखिए छोटा दो ट्रायंगल साइज। हां वही मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन के थे उससे। हां हां वही वही वही। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी सी इनटू डी सी देखिए थर्ड बिट ये सेकंड बिट देखिए क्या प्रूव करना सेकंड बिट एस स्क्वायर इक्वल टू बी सी इनटू डी सी। एस स्क्वायर इक्वल टू बी सी इनटू डी सी। अच्छा देखिए कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करने से पता चलेगा। बोल रहा है एस सी बोल रहा है मतलब ये एस सी बोल रहा है माने ये वाला आएगा ये दोनों में आ रहा है दोनों ट्रायंगल में। और क्या बोल रहा है एस स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी ये बी सी बोल रहा है बी सी बोल रहा है और डी सी बोल रहा है माने ये छोटा दो ट्रायंगल। ओके अभी हम कहते हैं ओके छोटा दो ट्रायंगल छोटा एक ट्रायंगल का लिख दीजिए डी सी ए एक ट्रायंगल लिख दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नेटवर्क स्लो था यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम बोला था। देखिए संडे है तो बहुत यूजर है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए अच्छा दोनों ट्रायंगल देखिए क्या बोल रहे हैं छोटा दो ट्रायंगल इसका सी नाइन दोनों में एंगल सी 90 डिग्री है आएगा चिंता मत करो यहाँ पर रेड कलर दिखा दे रहा है। अच्छा देखिए एस स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी बोला देखिए कैसे क्या करेंगे दोनों में एंगल सी कम 90 डिग्री इसका सी 90 इसका सी 90 एक ट्रायंगल में एसी डी लिख दिया एक ट्रायंगल एसी डी लिख दिया दोनों में सी 90 डिग्री है। ओके अच्छा एक बात बोले एसी डी का एसी डी एसी डी इसका बच्चों ये जानते हो ये एंगल बीसी इक्वल होगा एसीडी का एंगल ए जो है वो बी से इक्वल होगा कैसे बी प्लस टू 90 वन प्लस टू 90 बीच में टू कट जाएगा एंगल बी किससे इक्वल होगा एसीडी का एंगल ए उस ट्रायंगल का बी से इक्वल होगा एसीडी का एंगल ए उसका बी के साथ इक्वल होगा एसीडी का एंगल ए उसका बी के साथ इक्वल होगा। कैसे समझ पाए ये एंगल इससे कैसे इक्वल होगा टू में हम प्रूव किए थे ना टू में ना हाँ टू में प्रूव ये बी वन से इक्वल होगा बी प्लस टू 90 टू प्लस वन 90 टू कट जाएगा। और एक बात बोले ये टू एंगल डी से इक्वल होगा मैंने एसीडी का एंगल डी एसीडी का एंगल डी उसका ए से इक्वल होगा ये एंगल टू जो है डी से इक्वल होगा कैसे टू प्लस वन 90 टू प्लस वन 90 1 प्लस डी 90 तो 2 डी से इक्वल होगा मीन्स ए सी डी का एंगल डी इसका एंगल ए से इक्वल होगा ए सी डी का एंगल डी उसका ए से इक्वल होगा। हो गया तुम्हारा हो गया हमें चाहिए था छोटा दो ट्रायंगल डी सी और बी सी ए। अब लिखिए क्या लिखिए इसको देखिए दोनों को देख के लिखिए इन ट्रायंगल डी सी ए
आज बच्चो साढ़े छह को आपका टेस्ट है सर, साढ़े छह बजे सब सर का क्लास है। क्लास है, अच्छा तो देख शायद नहीं होगा, छोड़ी हो इंट्रैंगल डीसीए एंट्रैंगल एससीबी सर छोड़ दीजिए कल करेंगे इसमें। हाँ हाँ इंट्रैंगल डीसीए एंट्रैंगल एससीबी क्या होगा देखिए, डीसीए एंट्रैंगल एससीबी एंगल डीसीए इक्वल एंगल एससीबी, डीसीए इक्वल एंगल एससीबी 90 डिग्री गिवन है और इसका एंगल डीएसी और इसका एंगल सीबी से इक्वल है, डीएसी जो है सीबी से इक्वल है। देख लीजिए कैसे डीएसी कौन है, देखिए ये वाला डीएसी एंगल वाल इसे इक्वल है, एंगल बी से इक्वल है। अगर कैसे बी प्लस 290 वन प्लस 290 एंगल टू आर एच एस इक्वल है एंगल टू कर जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू में प्रूव किए थे। ओके तो बी डीएसी किससे इक्वल है, एंगल बी से इक्वल है, तो हैंस ट्रायंगल डीसीए हैंस ट्रायंगल डीसीए सिमिलर टू एसीबी। आई क्या ए सिमिलर हो गया, अब जो चाहिए लीजिए, एसी दो बार चाहिए एसी बाय बीसी, एसी दो बार चाहिए एसी बाय बीसी इक्वल एसी बाय बीसी इक्वल टू सर एसी बाय बीसी एसी चाहिए सीडी बाय एसी सीडी बाय सीडी एसी देन एक बार देखिए एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी को सीडी सर कुछ सुनना ही नहीं रहा है। अरे नेटवर्क योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल दिख रहा है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। हाँ अरे समझ पाए तो हाँ सर समझ तो गए सर, लेकिन उसके बाद और सर हम वहाँ जगह टेस्ट दे सकते हैं। हाँ हाँ दोगे आज।